जय माता दी। आज का हमारा टॉपिक है घर में बनने वाली सुख शांति और घर के सुख के बारे में। किन लोगों को घर परिवार का सुख नहीं मिलता और किन लोगों के घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े कलेश बने रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण होते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जन्म कुंडली का जो चौथा घर है जिसमें शनि और केतु विराजमान है, ये जन्म कुंडली का चौथा घर माना गया है। चौथा घर हमारे घर का होता है, जहाँ पर हम रहते हैं, हम पैदा होते हैं और बड़े होते हैं। ये जन्म कुंडली का चौथा घर हमारे परिवार का, हमारे घर का माना गया है। अगर इस घर में पापी ग्रह आकर के बैठ जाए और शनिदेव खराब होकर के बैठ जाए, तब घर परिवार में हमेशा छोटी छोटी बातों को लेके कलेश बने ही रहते हैं। और जब जब शनि की महादशा आएगी, केतु की महादशा आएगी, या चंद्रमा का समय आएगा, या अंतरदशाएं इन ग्रहों की आएगी, उस समय के अंदर अगर हमने हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा कबाड़ पड़ा हुआ, या घर परिवार में शराब और मांस का सेवन अगर कोई करता हुआ, या सांप को कभी मारा हुआ या मरवाया हुआ, अगर इस तरह के हालात रहे हुए और घर में कबाड़ या घर की छत पर जंग लगा, लोहा खराब, बिजली का सामान ये घर में बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, तब घर परिवार में हमेशा छोटी छोटी बातों को लेके कलेश इतने बढ़ेंगे कि जिसमें घर छोड़ने के लिए नौबत आना, या आपसी जो संबंध है वो पूरी तरह से खराब होते चले जाना। और ऐसे ही लोगों को अपने घर का सुख होते हुए भी नहीं मिल पाता, या किसी भी तरह से हालात ऐसे बन जाते हैं कि घर में कलेश रहने के कारण दूसरी जगह पर जाकर के रहना पड़ जाना। तो इसलिए इस योग का उपाय करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपके घर में जितना भी कबाड़ है वो बाहर निकाल दीजिए। घर में काले और नीले रंग के पर्दे, कर्टन्स, बेडशीट या पेंट वगैरह, ये काला नीला या पर्पल कलर का पेंट बिल्कुल भी ना करवाएं। और घर में गंगा जल, घर के उत्तर पूर्वी कोने में गंगा जल ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित करें। हो सके तो एक चांदी के बड़े से बर्तन में गंगा जल भर के चांदी का ढक्कन लगा के वो भी घर में रखें। और यहाँ पर शनि का इलाज करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम सर से 7 बार उतार करके जल प्रवाह करें या किसी को दान करें। ये साबुत बादाम वाला उपाय जिन लोगों के घरों में हमेशा क्लेश रहते हैं, घर में पैसा नहीं टिक पाता, घर का सुख बिल्कुल नहीं है, माँ की सेहत को लेकर के भी दिक्कतें आ रही है, वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। इसी तरह से हम और भी विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।